तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टोरेंट के बारे में कि टोरेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, या कह लें बिट टोरेंट के बारे में। तो टोरेंट जो है एक पीयर टू पीयर डेटा ट्रांसफ़र का ज़रिया है। कहने का मतलब है कि इसमें होता है बेसिकली ये है कि कोई भी आदमी चाहता है कि उसको डाउनलोड मतलब अपलोड करे, किसी जो है मतलब फैलाना चाहता है उस किसी भी डेटा को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टोरेंट पे अपलोड कर देगा। नहीं, टोरेंट पे अपलोड नहीं कर देगा क्या बोल दिया। तो उसका जो होता है वो डेटा जहाँ पे स्टोर्ड है उसका डेटा का टोरेंट लिंक या मैग्नेट लिंक जो है सो किसी को शेयर करेगा। फिर वो लिंक से जो है सो आदमी डाटा डाउनलोड करेगा, तो वो डेटा कहीं और से नहीं, डायरेक्ट सर्वर से जहाँ पे वो डेटा है सेव है वहाँ से डाउनलोड होता है। उसके बाद उसको जो डाउनलोड कर लेता है आदमी, तो कोई तीसरा आदमी को मैग्नेट लिंक मिल गया तो वो डेटा डाउनलोड करने का कोशिश करेगा, तो वो डायरेक्ट सर्वर से ना डेटा डाउनलोड करके वो सर्वर से भी करेगा कुछ डेटा, और कुछ डेटा जो पहले डाउनलोड कर चुका है आदमी उससे करेगा। ऐसे करते करते कोई चौथा आदमी आया तो तीनों से करेगा, फिर कोई पांचवा आदमी आया तो चारों से करेगा। तो ऐसे में होता है स्पीड बढ़ जाता है। तो जिस जो आदमी डेटा डाउनलोड करता है उसको बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, जो शायद डेटा डाउनलोड करता है उसको शायद, जिसके पास डेटा होता है ट्रांसफ़र करने के लिए उसको सीडर बोलते हैं, और जो डेटा डाउनलोड करता है उसको कुछ और बोलते हैं जो कि हमको याद नहीं आ रहा है। और एक होता है लीचर वो होता है जो तुरंत डेटा डाउनलोड किया अपना टोरेंट बंद कर देता है चालाक आदमी जिसको शेयर करने से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना जो है सो डेटा डाउनलोड करता है और टोरेंट बंद करके रख देता है। तो ऐसे में होता है कि टोरेंट का स्पीड स्लो हो जाता है। तो बेसिकली टोरेंट बहुत यूज होता है, बड़ा बड़ा फाइल सबको शेयर करने के लिए डाउनलोड कर एक आदमी शेयर करता है, उससे धीरे धीरे सब डाउनलोड करना शुरू करते हैं। तो इसी सब से जो है सो यही सब यूज़ है टोरेंट का। टोरेंट का कुछ निगेटिव यूज़ भी है कि बहुत लोग जो है सो टोरेंट को गलत वे में यूज़ करते हैं कि वो कॉपीराइटेड कंटेंट को जो है सो एक जगह से दूसरे जगह फैलाने के लिए टोरेंट का यूज़ करते हैं, तो ये गलत तरीका हो गया, इसको गलत वे बोलेंगे। और इसीलिए टोरेंट बदनाम है। इंडिया में तो एक बार बैन भी लगा दिया गया था टोरेंट पे, शायद मेरे ख्याल से अभी भी टोरेंट पे बैन है। तो यही सब एक रीज़न है और कि टोरेंट बैन हो गया था इंडिया में भी। और ऐसे ही जो है अभी हम बताएं उसी तरीके से टोरेंट काम करता है। या टोरेंट से डाउनलोड करने के लिए आपको एक छोटा सा फाइल कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको टोरेंट फाइल बोलते हैं। उसके अंदर में बेसिकली लिंक होता है जो कि आप किसी भी टोरेंट क्लाइंट जैसे माइक्रो टोरेंट में ओपन कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक लिंक डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ से डाउनलोडिंग करना शुरू कर देता है। ट्यूटोरियल आपको ऑनलाइन बहुत सारा मिल जाएगा टोरेंट से कैसे वीडियो डाउनलोड करना है, या हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन हम नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये इलीगल है, यूट्यूब के अगेंस्ट है, तो इसलिए हम बताने वाले नहीं हैं। इंडिया में शायद बैन है, हमको पता नहीं ठीक से, तो हम बता दिए टोरेंट का मैकेनिज्म क्या है। अब बात आता है कि इंडिया में टोरेंट यूज करने पे जो बैन क्यों लगाया गया, तो सिंपल सा है, बहुत सारा कॉपीराइटेड कंटेंट जो है सो बेचने के चक्कर में मतलब फैलाने के चक्कर में जो है इसको बैन होना पड़ा। दूसरा बात है कि टोरेंट में बहुत सारा चीज़ मिलता है, टोरेंट पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ जो कॉपीराइटेड होता है, कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड होता है, आपको टोरेंट पे मिल जाएगा।
एक बहुत बड़ा टोरेंट का सर्च इंजन है पायरेट बे, जो कि अनियन साइट भी है उसका। अनियन साइट अगर आपको पता होगा तो आपको अच्छी बात है, उसका अनियन साइट भी हम जनरली अनियन साइट यूज़ करते हैं, उसका नॉर्मल है। नॉर्मल में आपको होता है कि वीपीएन का यूज़ करना पड़ेगा, वीपीएन के बिना वो इंडिया में नहीं खुलता है। लेकिन उसका अनियन साइट खोलिएगा तो टोर के वजह से जो है टोर ब्राउज़र से आप खोल सकते हैं उसको। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद मतलब आपको अच्छा लगा होगा सुन के। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।